तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से, ठीक है। देखो इसका अगर डिफाइन की बात करें एनर्जी से, इसका डिफाइन होता है एबिलिटी और कैपेसिटी टू वर्क, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी डिफाइन एज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता या योग्यता, काम करने की क्षमता या योग्यता को हम क्या बोलते हैं एनर्जी। अगर हमारे बॉडी में अगर एनर्जी है वी कैन डू सम वर्क, राइट, वी हैव द एबिलिटी टू डू वर्क। सभी जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी से हम क्या करते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अगर एनर्जी नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इस एनर्जी का मतलब क्या बता रहा है फिजिक्स के वास्तव में, एनर्जी का मतलब क्या है, एबिलिटी क्या है, योग्यता और कैपेसिटी क्षमता, आपकी क्षमता। तो जो क्षमता जो है आपकी जो योग्यता है किस चीज की, काम करने की, क्या करने की, काम करने की, वही चीज का होता है एनर्जी। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। अगर हम एनर्जी का ऐसा यूनिट की बात करें इसका क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। तो 1 किलो जूल कितना जाएगा, 1000 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एनर्जी का लॉ भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक लॉ है क्या एनर्जी का, कि एनर्जी इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बताता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद कि एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है, क्योंकि हमने जस्ट अभी इसके बारे में समझा है कि एनर्जी क्या है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो केवल केवल क्या सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इट ओनली ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इस बल्ब में कौन सी एनर्जी भी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, और ये बल्ब क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किया किस में, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, क्लियर है। इस फैन में कौन सी एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, और ये फैन इस एनर्जी को चेंज किस में किया, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आस पास का ऐसा बहुत सा एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन क्या हो, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्या पढ़ेंगे, ऑफ एनर्जी। तो इसका आप डिफाइन लिख लिया, इनों के लिख लो पहले आप, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जस्ट हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म क्या होता है, मतलब चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको इस चैप्टर के अंदर क्लास 9th में मैंने दो ही पढ़ना है, एक कौन सा पढ़ना है, काइनेटिक पढ़ना, एक क्या हमको पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी जो सबका एनर्जी के फॉर्म्स है। जैसे आपने लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी, तो अभी हम लोग आगे पढ़े इन डिटेल्स में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई बॉडी क्या मोशन में हो तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल से फिजिक्स में क्या है कि कोई बॉडी जो किस में हो, मोशन में हो, तो उसमें क्या एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ये होते हैं दो टाइप्स के, ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, कौन कौन होता है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है ग्रेविटेशनल। एक क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन शेप के वजह से जो जो एनर्जी होता है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और हाइट। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट के कहते हैं, मतलब जब ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल। जब किसी बॉडी को क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मेनली हमको दो ही पढ़ना है, ठीक है, और बाकी आप जितने भी देख रहे हो हमारे क्या है,
एनर्जी का अलग अलग रूप, जैसे हमारा लाइट, लाइट भी क्या है एनर्जी है, इसे हम देखने का काम कर रहे हैं, हीट भी क्या है एनर्जी है, साउंड भी क्या हमारा एक एनर्जी है, नहीं इलेक्ट्रिकल भी क्या है, ये भी क्या है, इसमें जैसे बल्ब में लाइट आ रहा है इसमें कौन सी एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, जैसे हमें क्या ये बल्ब लाइट दे रहा है, ये सभी के सभी क्या है केमिकल एनर्जी है। जैसे हमने पढ़ा होगा प्लांट्स में क्या होता है फोटो होता है, तो अभी वहाँ पर क्या चाहिए उसका लाइट चाहिए ना, क्या चाहिए तो वहाँ पर क्या है केमिकल एनर्जी आ जाता है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी, इस तरह का हीट लाइट साउंड इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ पर